वेलकम बैक दोस्तों, आपका खान सर आपका फिर एक बार स्वागत करता है इरम क्लासेस एजुकेशन के पार्ट्स ऑफ स्पीच के अपने पांचवें एपिसोड में। तो अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अब तक अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे चैनल का जो भी इंफॉर्मेशन है या जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन के बाद हम जाएंगे इंटरजेक्शन के बारे में। तो पहले देखते हैं प्रीपोजिशन का मायने क्या होता है, प्रीपोजिशन मतलब क्या। तो देखिए प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये वो शब्द है जो दो नाउन को या प्रोनाउन को दूसरे शब्दों से आपस में संबंध बताता है। यानी जैसे हम यूज करते हैं बहुत सारे वर्ड्स, एग्जांपल है देखिए बीनीथ, जैसे बीनीथ मतलब नीचे, बिसाइड यानी बाजू में, बाय, हम ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। मैं आपको हर एक का हिंदी मीनिंग बताने में वक्त लग जाएगा। यहाँ पर है बिटवीन, डाउन, फॉर, फ्रॉम, हैंस, बिहाइंड, बिसाइड, बैकसाइड, आउट, ऑन, इनटू, टू, ऑफ, अबाउट, अबव, वाया, प्रायर, सिंस, टुवर्ड, अंटिल, अमंग, वेद। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब आप सोचेंगे सर ये जो वर्ड्स हैं इन्हें हिंदी में हम कैसे जो है वो बताते हैं। तो देखिए जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, जैसे हम लोग हिंदी में वर्ड यूज करते हैं ठीक उसी तरह से ये इंग्लिश में हम लोग जब दो चीज़ों को आपस में रिश्ता बताना होता है, संबंध बताना होता है, तो हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे द पेन इज इन माय बैग, द बुक इज ऑन द टेबल, द मंकी इज ऑन द ट्री, लाइक दैट। इस तरह से हम लोग जो सेंटेंस यूज करते हैं तो इसमें जो वर्ड जो प्रीपोजिशन है मैंने आपको बताया कि वो कैसे आपस में जोड़ते हैं दो वर्ड्स के, दो सेंटेंस को आपस में जो है उनका रिलेशन बताते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर उसके बाद इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? देखिए इंटरजेक्शन का मतलब ही है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक यानी जो हमारे मन से अचानक निकला हुआ, जो अचानक हमारे मन से कोई आवाज निकलती है, कोई वर्ड निकल जाता है, जैसे मान लो कि ओह कभी अच्छा लगा, आह वाह, ऐसे जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं ये सारे वर्ड जो है ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इंटरजेक्शन है, मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपके लिए लिख रखे हैं, जैसे आह, बैंगो, Wow, हम इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं जब हम लोगों को कोई अचानक इफेक्शन होता है, अगर हमको कोई प्रॉब्लम होता है, हमारे मुंह से अचानक कोई वर्ड कभी खुशी में कभी दुख में जो हमारे मुंह से वर्ड्स निकलते हैं उन्हीं को हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इंटरजेक्शन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको बार बार अगर आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे यूज किए जाते हैं, कहाँ पे यूज किए जाते हैं। अब इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि हम इसके आगे कुछ और सीख सकते हैं तो हम उसके लिए भी प्रैक्टिस करें। आज मैं चाह रहा हूँ कि आपको और आगे जो है वो ना सिखाते हुए मैं पहले आपको इतना आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और फिर जो हमारे पास आखिरी का
इसका पार्ट मेरे पास बचा है, वो पार्ट मैं कल आपको अगले एपिसोड में इसका अगला पार्ट बताऊंगा, आखिरी पार्ट होगा वो, जिसमें मैं आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में समझाऊंगा। पार्ट ऑफ स्पीच का वो आखिरी होगा जिसे हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, यानी सहायक क्रियाएं, वो कैसे इस्तेमाल की जाती हैं, कैसे उनके लिए जो है अलग अलग वर्ड में उनको सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।